Hi, good morning. Welcome to CADI classes. देखिए आपने पढ़ा था इससे पहले क्लास 11 का केमिस्ट्री, यानी जो बच्चे क्लास 10 से 10 में जा रहे हैं उसके लिए है, खास करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। इसमें चौथा ये वीडियो है, पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ था, प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ था। विद एक्सपेरिमेंट के साथ मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ। न्यूट्रॉन करा गया था और प्रोटॉन की खोज में जो रदरफोर्ड का श्रेय है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या रह गया था। एक चीज़ याद रखिएगा, पूछता है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किस किरणों द्वारा हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखिए कैथोड रेज द्वारा। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किससे हुआ था, कैथोड किरणों द्वारा। जबकि प्रोटॉन की खोज किससे हुआ था, आपको पता होगा, बताया गया था प्रोटॉन की खोज आपका कैनाल रेज द्वारा हुआ था। ये दो चीज बताया गया था, कैथोड रेज एंड कैनाल रेज, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन खोज हुआ था। एक चीज इसमें दोनों में डिफरेंट है, कैथोड रेज का आपको ओरिजिन कहां से हुआ, यानी कैथोड रेज की उत्पत्ति कहां से हुई। कैथोड रेज जो होता है आपका कैथोड से निकलता है, कहां से निकलता है, कैथोड से। याद रखिएगा कैथोड रेज कहां से निकलता है, कैथोड से। जबकि एनोड रेज जो होती है या कैनाल रेज जो जिसे कहते हैं हम, या पॉजिटिव रेज जिसे कहते हैं, धनात्मक किरणें जिसे कहते हैं, इसकी ओरिजिन कहां से होती है, तो इसकी ओरिजिन जो होता है गैस से होता है, याद रखिएगा गैस से। यानी गैस के मॉलिक्यूल, यानी आपके कैथोड एनोड के मध्य में जो गैस होता है, यानी मध्य में गैस के माध्यम में जो इलेक्ट्रॉन निकलने में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही अब क्या होता है, कैथोड की ओर मूव करता है। तो किससे हो रहा है, गैस से, यानी इसकी ओरिजिन गैस से, जबकि इसकी ओरिजिन कैथोड की ओरिजिन कैथोड रेज। कैनाल रेज को हम बताया गया पॉजिटिव रेज के नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव रेज। इसको हम एनोड रेज के नाम से भी जानते हैं। एनोड रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनोड की तरफ से कैथोड की ओर जाती है, यानी एनोड्स की तरफ से कहां जाएगी, कैथोड की ओर जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एनोड रेज कहा जाता है। ठीक है, एनोड रेज के नाम से भी हम जानते हैं, ये याद रखिए। देखिए इसके बाद हम देखेंगे जिसके द्वारा हुआ था, बताया गया था यहां पर जैसे टॉमसन ने उसकी विवेचना की थी, उसके नेचर के बारे में बताया था पूरा का पूरा श्रेय आपका बाद में कैथोड रेज के बारे में किसका आता है, ये टॉमसन। जबकि कैनाल रेज यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन को हम जानते हैं डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन में रदरफोर्ड का नाम आता है। लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंटल जो था डब्ल्यू वाइन, यानी पूरा एक्सपेरिमेंट का जो उनको विवेचना, गुणों का विवेचना जो किया गया था डब्ल्यू वाइन और जे टॉमसन द्वारा। जबकि एक्सपेरिमेंट गोल्ड स्टीन ने किया था कैनाल रेज का, लेकिन उसकी गुणों की विवेचना किसने किया था, डब्ल्यू वाइन और जे टॉमसन द्वारा। उन्होंने ही बताया कि आपकी पॉजिटिव रेज होती है, उसी पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन नाम दिया गया, कहा गया। लेकिन रदरफोर्ड ने उसे बहुत क्लियरिफाई किया, बहुत क्लियर से बताया कि सभी परमाणुओं में आपका एक मूल कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। उन्हें एक सिंपल एक्सपेरिमेंट द्वारा उसको प्रूव किया था। आइए हम देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रदरफोर्ड, किसने, रदरफोर्ड, टाइमिंग कब था, 1919। रदरफोर्ड ने 1919 में सिंपल हीलियम परमाणु द्वारा, यानी अल्फा कणों के प्रक्रिया द्वारा, यानी अल्फा कणों के आपकी बम्बाई द्वारा, अल्फा कण, दिस इज अल्फा कण कह सकते हैं, तो अल्फा कण यहां यूज करके उन्होंने अल्फा कण प्रक्रिया किया था जो नाभिक की खोज करने में। लेकिन नाभिक की खोज करने के बाद, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करने के बाद तब जाके प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। तो 1919 में इन्होंने किसके माध्यम से किया था, हीलियम परमाणु, यानी जो हीलियम परमाणु होता है, हीलियम नाभिक जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे हीलियम नाभिक हम अल्फा कण कहते हैं। इन्होंने क्या किया, अल्फा कण के जब आपके किसी हल्के परमाणु पर बमबारी कराते हैं, तो बमबारी कराने से क्या होता है, तो उसमें से प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है। रदरफोर्ड ने क्या बताया, जब इन्होंने, रदरफोर्ड ने आपका नाइट्रोजन परमाणु पे एक्सपेरिमेंट किस पे था, नाइट्रोजन परमाणु पे, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14,
इस पे बमबारी किसका कराते हैं? आपका हीलियम के नाभिक का, अल्फा करता। तो हीलियम का नाभिक क्या होता है? हीलियम हम परमाणु क्रमांक 4 और 2 कहते हैं, राइट। हीलियम के नाभिक किसे कहते हैं याद रखिएगा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम किसे कहते हैं? हीलियम में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। जब हीलियम के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, जब हीलियम के परमाणु से आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, जो आपका उसका भार बचेगा वो किसका भार होगा? नाभिक का। अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो कोई से बाहर निकाल गया, लेकिन नाभिक उसके क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन पाया जाएगा और न्यूट्रॉन पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हीलियम का नाभिक बचा। क्या बचा? हीलियम का नाभिक। तो हीलियम के नाभिक को ही हम अल्फा कण कहते हैं। क्या कहेंगे? अल्फा कण, याद रखिएगा। तो इसमें से ये आपका हीलियम के सांकेतिक रूप में ऐसे दिखाएंगे, हीलियम के परमाणु के रूप में, जिसमें ये 4 क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन बता रहा है मास नंबर। इसका ये परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसलिए इसको यहां रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए नाइट्रोजन पे हीलियम कण की जब बमबारी कराते हैं तो नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें हो जाता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन परिवर्तन हो जाता है, साथ ही साथ क्या निकलता है? आपका प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है, यानी 1HH हम प्रोटॉन को सांकेतिक रूप में लिखते हैं, कल बताया था, या इसको हम 1P के रूप में भी सांकेतिक रूप में लिखा जाता है। तो ये प्रोटॉन का उत्सर्जन। अब देखिए यहां उत्सर्जन हो रहा है तो बच क्या रहा है? ऑक्सीजन। कैसे बच रहा है? 7 यहां 2 यहां, तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9। परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 9। 9 परमाणु क्रमांक में एक तो बाहर निकल गया, यानी जो आपका प्रोटॉन बाहर निकला, जब प्रोटॉन बाहर निकला परमाणु क्रमांक कितने बचे? 8। और हम जानते हैं 8 परमाणु क्रमांक वाला कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन। तो इसलिए हमने यहाँ ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। मास नंबर देखिए 14 यहां 4 यहां 14 4 18 18 में से एक बाहर आ गया तो बचा कितना? 17। यहाँ हम 17 मास का नंबर लगा देते हैं, यानी ऑक्सीजन का ये समस्थानिक है। ऑक्सीजन 16 भी होता है 17 भी होता है, तो ये समस्थानिक उसके आपको रिप्रेजेंट किए गए। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने आपका हीलियम कणों द्वारा, अल्फा कणों द्वारा, हीलियम के नाभिक द्वारा नाइट्रोजन बमबारी कराकर आपका प्रोटॉन का उत्सर्जन करते हैं। इन्होंने बताया प्रोटॉन जो होता है आपका हर एक परमाणु में उसका मूल कण पाया जाता है, इसीलिए आज रदरफोर्ड को हम डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। डिस्कवरर है, यानी खोज करता है, तो डिस्कवरर के आधार पे इसीलिए रदरफोर्ड को दिया गया था। ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1919 में, 1919 याद रखिए। लिखिए क्या, बहुत सिंपल सा, रदरफोर्ड ने हीलियम नाभिक या अल्फा कणों के नाइट्रोजन परमाणु पर बमबारी कराते हैं तो आपका प्रोटॉन का उत्सर्जन करते हैं। तो प्रोटॉन का उत्सर्जन भी क्या होता है? जब हीलियम परमाणु नाइट्रोजन पर बमबारी कराते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है और प्रोटॉन का उत्सर्जन करता है। दैट इज द क्लियर, ये आपका रिएक्शन है, इसको रिएक्शन दिखाएंगे। इस प्रकार से आपका प्रोटॉन का खोज होता है। नोट कीजिएगा, राइट नोट, रिएक्शन। आइए डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज बहुत सिंपल है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में किया था। किसने किया था? चैडविक ने, याद है चैडविक। चैडविक ने 1932 में किया। कैसे? चैडविक ने आपका हल्के परमाणु यानी लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, ये सब क्या है? हल्के परमाणु। अर्थात जिसका नाभिक में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या कम हो उसे क्या कहेंगे? हल्के परमाणु। तो आपका देखेंगे हल्के परमाणु किसके किसके होते हैं, तो सिंपल जिसमें जितना कम आपका भार मास रहेगा, जिसमें किसका कम द्रव्यमान संख्या होता है वो हल्का नाभिक कहलाता है, हल्के परमाणु कहलाता है। तो आपका चैडविक ने बेरिलियम परमाणु में, जिसमें बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और मास नंबर 9 होता है, इन्होंने इस पे हीलियम कण बमबारी कराया 4 2
तो आपका न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है, हम लिखते हैं 10N, जिसे न्यूट्रॉन का संकेत सिंबल। अब बताइए, इन्होंने बताया, चैडविक ने बताया, जब 1932 में इन्होंने हल्के परमाणु पर हीलियम परमाणु की, हीलियम नाभिक की आपके अल्फा कणों की बमबारी कराते हैं, तो आप क्या होता है उससे एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है। क्या निकलेगी? अदृश्य किरण पुंज, यानी दिखाई नहीं देगी, अदृश्य किरण पुंज निकलती है, जो आपका उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होगा, यानी जिसमें कोई आवेश नहीं होता है। इस विद्युत उदासीन कण को चैडविक ने न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा? न्यूट्रॉन। फिर से देखिएगा, जब हीलियम आपके हल्के परमाणु बेरिलियम लिथियम बोरान आदि पर अल्फा कण या हीलियम के नाभिक की बमबारी कराया जाता है, तो आपका हल्के परमाणु से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है जो विद्युत उदासीन होती है, उसी विद्युत उदासीन को न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो ये आपका रिएक्शन है, इसका 9 और 4, 4 2 आपने रिएक्शन कराया है, तो 9 4 13 और यहाँ पर 4 2 6, तो 6 परमाणु क्रमांक वाला कौन सा एलिमेंट? कार्बन। यहाँ 6 लिख दिया हमने, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या होता है, एलिमेंट डिसाइड होते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक निश्चित होता है। परमाणु क्रमांक बदला तो एलिमेंट बदल गया, याद रखिएगा। तो इससे आपका रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़िए वहां पर देखिए क्या बनेगा, क्योंकि 4 2 6 है, यहाँ है, यहाँ 0, यानी एक भी बाहर नहीं निकला परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर क्या आई आपका 6 आया, 4 9 4 13 हो रहा, जबकि एक इसमें कम हो गया, यानी कम क्या हुआ, न्यूट्रॉन उत्सर्जन हो रहा, तो बचा क्या उसका मास 12, यहाँ 12 लिख देंगे। क्लियर? इस प्रकार से आपका न्यूट्रॉन की खोज होता है अकॉर्डिंग टू चैडविक 1932। नोट कर लीजिएगा। आइए, उसके बाद आपको मैंने एक टेबल दिखाया, इस टेबल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अभिलक्षण है। क्या है अभिलक्षण? यानी फंडामेंटल पार्टिकल की कैरेक्टर है आपका, फंडामेंटल पार्टिकल कण, मूल कण जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल कण, मूल कण के अभिलक्षण। तो 3 मूल कण होते हैं, जानते हैं, मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 3 प्रमुख मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए ये मूल कण कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन का सांकेतिक यानी सिंबल क्या होता है, पहचान, प्रतीक रूप में हम कैसे लिखते हैं, तो ई लिखा जाता है, पी लिखा जाता है और एल लिखा जाता है, या इसे हम 01 ई दिखाते हैं, 11 पी दिखाते हैं, या 11 एच भी लिखा जाता है, 11 एच भी लिख सकते हैं, क्या देखें, और 10N दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, यानी जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन होती है, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, इसलिए उसे हम नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता, क्योंकि ऊपर का जो संख्या बताता है वो नाभिक को बताता है, नाभिक का मास बताता है, तो इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में नहीं होती, इसलिए ऊपर आप 0 दिखाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका नाभिक में यहाँ दिखा रहा है, आइए परमाणु क्रमांक शो करें, तो 1 1 दिखाते हैं, न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, उसके परमाणु क्रमांक रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए ऊपर दिखाया जा रहा है। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 आवेश होता है, यानी इकाई ऋण आवेश, प्रोटॉन पे इकाई धन आवेश होते हैं, +1 चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसीलिए नाम पड़ा इसका, न्यूट्रल है इसीलिए न्यूट्रॉन, यानी जिस पे कोई आवेश नहीं, तो आपका न्यूट्रल होने की वजह से इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन, याद रखिएगा, न्यूट्रल होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया, याद रखिए। बल मास देखिए, मास इसमें 2 आपका पैमाना है, 1 ग्राम में, 1 AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम में मास ये आपका है, किसी किसी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा, 9.10191 है यहाँ, 9 × 10⁻²⁸, जब मैंने इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था किसी बुक में 9.9101084 था, × 10⁻²⁸ ग्राम था, तो आप कुछ थोड़ा सा माइनस के बाद में डिफरेंट देखने को मिल सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको देखेगा, लेकिन माइनस के बाद यहां पर डिफरेंट आएगा तो चल जाएगा, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार से प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.67226, क्या ये 26, किसी किसी बुक में 25 रहेगा, × 10⁻²⁴, ये हो गया। न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, 1.6748, किसी किसी में 50 भी दिया है, 1.6750 है, तो यहाँ 48 लगा है,
इंटू 10^-24। देखिए पावर में ये दोनों सेम है, इसका पावर डिफरेंट है थोड़ा सा। क्या देखिए आइए एटॉमिक एएमयू में क्या होता है, इसका मास एएमयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इसका हो जाएगा 0.000005486, इसका हो जाएगा 1.00757, इसका हो जाएगा 1.00893। डिस्कवर किसने किया, जे जे टॉमसन ने 1997 में। इसका प्रोटॉन किसने किया, रदरफोर्ड ने 1919 में। चैडविक ने किया आपका 1932 में न्यूट्रॉन की खोज। ये एक समरी, आपका समरी है, सारांश है, जिसको देख के आप उसके हिस्ट्री को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसलिए इसको दिमाग में रखिए। ब्लैक बोर्ड पे इसलिए मैं बताता हूँ, पहले से लिखा जाता है ताकि टाइम का बचत करने के लिए। ब्लैक बोर्ड पे अगर ना लिखा रहे मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ लिखता रहूंगा, टाइम ज़्यादा जाता है और वीडियो थोड़ा सा कम समय में बनाना है, कि इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए पहले से ब्लैक बोर्डिंग की जाती है। तो आप ये सब नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एटॉमिक मॉडल क्या होता है, एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक मॉडल में कौन कौन है उसको डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई वो जानेंगे। बहुत अच्छा सा आपका, बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते हैं टॉपिक के, न्यूक्लियस की खोज और एटॉमिक मॉडल। तब तक आप नोट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।